हेलो दोस्तों, आज के समय में हमारी खराब सेहत के लिए वायु प्रदूषण एक सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। हमारे देश की राजधानी दिल्ली से लेकर तमाम शहरी इलाकों में वायु प्रदूषण एक समस्या बन चुका है। यहाँ का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर बना रहता है और वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में मुश्किल, सांस फूलना, आँखों में जलन, गले और खांसी की शिकायत होती है। एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए घरेलू नुस्खे के बारे में शायद ही कभी किसी ने सुना होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ होम रेमेडीज और कुछ ड्रिंक्स के बारे में बताऊंगा जो एयर पॉल्यूशन से होने वाली हेल्थ समस्याओं को दूर करता है, साथ ही साथ हमारे फेफड़ों को मजबूत और साफ करने में मदद करता है। सबसे पहली रेमेडी है केले की स्मूदी। एयर पॉल्यूशन के दौरान शरीर में पोटेशियम लेवल काफी कम हो जाता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ऐसे में बनाना यानी कि केला और नारियल पानी दोनों ही आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही रेमेडीज पोटेशियम से भरपूर होती है। वही जिंजर यानी कि अदरक फेफड़ों में जलन के समय पहले ही वायु मार्ग में वायु प्रदूषण को बाहर निकालने में मदद करता है। तो ऐसे में आप केले की स्मूदी बनाने के लिए केला, अदरक और नारियल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी रेमेडी है आंवला और एप्पल जूस। आंवला और एप्पल जूस का मिश्रण फेफड़ों की कार्य क्षमता को बेहतर बनाता है। इसमें मौजूद क्वेरसेटीन और केलिन के कारण घरघराहट की समस्या कम होने लगती है। इसके अलावा यह रेमेडी ब्लॉक हुए वायु मार्ग को खोलने में भी मदद करता है। आपको बताते चलें कि विटामिन सी से भरपूर आंवला हमारे फेफड़ों से विषाक्त पदार्थों को दूर करता है और आयुर्वेद एक्सपर्ट और आहार विशेषज्ञ भी ये मानते हैं कि ये तीनों ही होम रेमेडीज किसी भी तरह के पॉल्यूशन, खासकर एयर पॉल्यूशन में हमारे फेफड़ों की सफाई और उसको मजबूती प्रदान करने के लिए काफी कारगर औषधि है। तो उम्मीद करता हूँ कि एयर पॉल्यूशन से बचने के लिए कौन सी होम रेमेडीज लेनी चाहिए इसके बारे में आपको कंप्लीट और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे प्रेस कर लें।